बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज फार्माकोजेनेटिक्स। फार्माकोजेनेटिक्स क्या होता है? इसमें हम देखते हैं कि द स्टडी ऑफ वेरिएशन इन ड्रग रिस्पॉन्स विच आर अंडर हेरिडिटरी कंट्रोल या स्टडी ऑफ डिफरेंस इन इनहेरिटेड जेनेटिक मटेरियल विच अफेक्ट द इंडिविजुअल रिस्पॉन्स टू ड्रग्स। इन शॉर्ट इसमें हमने देखना है कि जो जीन्स हैं, जेनेटिक डिटर्मिनेशंस हैं, जो कि हमारे ड्रग रिस्पॉन्स को अफेक्ट करती हैं, आइदर उसको बेनिफिशियरी कर देती हैं या उसको उसके साइड इफेक्ट्स को इन्हांस कर देती हैं या नो रिस्पॉन्स देती हैं, तो उसके इफेक्ट्स को जो हम स्टडी करते हैं उसको हम फार्माको जेनेटिक्स कहते हैं। अब कहा जाता है कि ह्यूमन जीनोम्स जो हैं कंटेन अबाउट 3 बिलियन न्यूक्लियोटाइड्स। एक नॉर्मल इंसान में 3 बिलियन न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और एक जीनोम जो है वो 30,000 से 40,000 तक जीनोम होते हैं विच थ्रू अल्टरनेट स्प्लाइसिंग एंड पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन कोड करते हैं 1 लाख और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स। अब ये वाली प्रोटीन जो जीनोम जनरेट करते हैं ये बहुत से डिजीज प्रोसेस में इन्वॉल्व होती हैं या ये हमारी ड्रग्स का टारगेट होती हैं फॉर फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन के लिए। इन्हीं प्रोटीन्स को बेस बना के हमने स्ट्रक्चर्ड करना होता है अपनी ड्रग्स का कि ये इन पे जाके कैसे अफेक्ट करेंगी। द जीनोम of any two individuals regardless of race, ethnicity or geographic origin कहते हैं कि 99% तक identical होता है। इनके जीनोम में इन ऑल ओवर द वर्ल्ड कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं होती। दैट इज वाई के ड्रग की रिसर्च जो है वो यूरोप, यूके या यूएसए में हो रही है लेकिन उसकी जो इफेक्ट्स हैं वो हमारे सब कॉन्टिनेंट में भी वो सेम ही होते हैं जो कि वहाँ पे होते हैं। ये रीज़न हमें समझाती है कि जो जीनोम्स हैं ये 99.9% आइडेंटिकल हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल्स के। अब जो डिफरेंस आ रहा होता है बिटवीन इंडिविजुअल्स वो आ रहा होता है न्यूक्लियोटाइड के लेवल के ऊपर, और वो भी न्यूक्लियोटाइड के लेवल्स पे कहाँ आता है? जो डिफरेंट स्टेप्स होते हैं इन द सिंथेसिस ऑफ ए न्यूक्लियोटाइड्स में, डिग्रेडेशन में। अब जो डिफरेंट स्टेप्स हैं, फॉर एग्जांपल के डिफरेंट प्रोटीन्स जो हैं वो इंसर्ट हो रही हैं, सम प्रोटीन्स जो हैं वो उसमें से डिलीट हो गई हैं, वो पूरी नहीं आ रही। डुप्लीकेशन जब हो रही है आरएनए की या डीएनए की तो उसकी जो ट्रू कॉपी है वो नहीं बन रही या उसमें कोई रीशफलिंग हो गई है, तो इस सूरत में दो जो प्रोटीन्स हैं या न्यूक्लियोटाइड है वो इंडिविजुअल्स का वेरी कर सकता है।
जेनेटिक वेरिएशन जो हैं वो हमारे बॉडी के अंदर ड्रग रिस्पॉन्स को वेरी कर सकती हैं इन डिफरेंट वेज में, लेकिन इनमें थ्री मेथड्स जो हैं वो मोर इम्पॉर्टेंट हैं कि उनमें चेंजेस जो हैं वो आ जाती हैं। अब वो क्या हो सकती हैं? फर्स्ट वन इसमें आ जाएगा हमारा टारगेट प्रोटीन्स। अब जैसे आप फर्दर स्टडी करोगे, आप पढ़ोगे कि इसमें जी कपल प्रोटीन रिसेप्टर्स होते हैं और डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स जो हैं वो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं विच टेक रिस्पॉन्स टू ड्रग, जिनको हमने टारगेट करना होता है और जिनके ऊपर हमारी ड्रग का रिस्पॉन्स जो है वो डिपेंड कर रहा होता है। तो इनमें वेरिएशन होगी तो उन पेशेंट्स में उस ड्रग का रिस्पॉन्स जो है वो नॉर्मल नहीं होगा। फिर ड्रग रिसेप्टर्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिसेप्टर्स जो हैं वो आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अल्फा रिसेप्टर्स हैं, बीटा रिसेप्टर्स हैं, आपके सेरोटोनिन रिसेप्टर्स हैं, डोपामिन रिसेप्टर्स हैं, सो मैनी टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स जो हैं वो आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इनमें भी किसी में भी वेरिएशन हो सकती है और वो वाली ड्रग जो उस स्पेसिफिक रिसेप्टर पे टारगेट हो रही है उसके रिस्पॉन्स में वेरिएशन आपको मिल सकती है। फिर इसमें टारगेट पाथवेज होते हैं, जैसे कि जैकस्टैट पाथवे है और डिफरेंट काइंड्स ऑफ पाथवेज जो हैं जो आप जिनको टारगेट करते हो उनमें वेरिएशन आ सकती है बिटवीन द इंडिविजुअल्स विच वेरी द रिस्पॉन्स ऑफ स्पेसिफिक ड्रग। और इसमें मैसेंजर्स बनते हैं, जब ड्रग किसी रिसेप्टर पे जाके लगती है, प्रोटीन पे जाके लगती है, तो उसके मैसेंजर्स जो हैं वो बनते हैं, सेकेंड मैसेंजर आरएनए होते हैं या डीएनए, उनके लेवल पे वेरिएशन आ सकती है। ये सारी चेंजेस जो हैं टारगेट प्रोटीन्स की, ड्रग रिसेप्टर्स की, टारगेट पाथवेज की या मैसेंजर्स की, ये एक ही ड्रग के रिस्पॉन्स को अगर किसी पर्सन में या इंडिविजुअल में इनमें से किसी में तब्दीली होगी तो वो वाली ड्रग जो बाकी लोगों में अफेक्टिव होगी इन पेशेंट्स में उसका रिस्पॉन्स जो है वो वेरी हो सकता है, वेदर इट्स रिस्पॉन्स इज इन्हांस्ड और डिक्रीज्ड डिपेंड्स अपॉन कि उसमें वेरिएशन जो है वो कैसी है और किस लेवल पे है। फिर इसमें सेकंड जो हम वेरिएशन देखते हैं वो हमारे एंजाइम्स की वेरिएशन हो सकती है बॉडी के अंदर। इनमें इम्पॉर्टेंट वन जो होते हैं आपके लिवर मेटाबोलाइजिंग एंजाइम होते हैं, इनमें स्पेशली साइटोक्रोम P450 और उसकी डिफरेंट वेरिएंट्स जो हैं वो आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो कि ड्रग को मेटाबोलाइज करते हैं। मेटाबॉलिज्म के बाद ड्रग या तो इनएक्टिव से एक्टिव स्टेट में चली जाती है या एक्टिव स्टेट से उसको डिग्रेड करके इनएक्टिव स्टेट में लाया जाता है। अगर एंजाइम्स में वेरिएशन आएगी तो डेफिनेटली एक्टिविटी ऑफ द ड्रग जो है उसमें भी तब्दीली आती है और वो वाली ड्रग जो कि थेरेप्यूटिक होगी फॉर वन पर्सन के लिए, वही ड्रग अगर उसमें एंजाइम्स में वेरिएशन होगी तो वो टॉक्सिक हो सकती है या इनएफेक्टिव हो सकती है फॉर एन दैट पर्सन विच हैव डेफिशिएंसी या वेरिएशन इन दैट एंजाइम्स। थर्ड वन इसमें आ जाती है इडियोसिंक्रेटिक और इम्यूनोलॉजिकल। इडियोसिंक्रेटिक मीन के हम उसकी काज जो है इन स्पाइट ऑफ मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स हम उसको नहीं ढूंढ सकते, तो ऐसे भी होते हैं जिनका हमें नहीं पता होता लेकिन वो रिस्पॉन्स जो है वो आ रहे होते हैं।
और इसमें क्या होता है कि चांस इंटरेक्शंस होती हैं बिटवीन द मेडिकेशन एंड सम अनयूजुअल एस्पेक्ट ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ दैट इंडिविजुअल जिसको हम ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हैं। अब जीनोटाइप जो है इंडिविजुअल्स में इनवेरिएबल हो सकती है और इसको हम ट्रीटमेंट के साथ ठीक नहीं कर सकते बिकॉज ये जेनेटिकली डिटरमिंड होती है, ये आपके पहले ही आपकी बॉडी में इंड्यूस हो चुकी होती है और इसको हम चेंज नहीं कर सकते। हाँ, उसमें हम चेंज ये कर सकते हैं कि हम अगर हमें अंदाज़ा हो जाए या हमें पता चल जाए कि इस पेशेंट्स में ये रिस्पॉन्स जो है वो ड्रग का ठीक नहीं आ रहा, तो हम उसकी ड्रग की डोजिंग को मॉडिफाई कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं, लेकिन जीन्स को हम करेक्ट नहीं कर सकते। जीन्स जो हैं इसको हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक्स के साथ असेस करते हैं। अब डे बाय डे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी जो है वो इम्प्रूव कर रही है, हमें इंफॉर्मेशन जो है जीनोम्स की, जेनेटिक वेरिएशंस की, वो विद टाइम जो है वो ज़्यादा मिलना शुरू हो गई हैं। एंड इट डे विल कम इंशाल्लाह कि जब हम उसमें जीन्स लेवल पे भी तब्दीली पेशेंट्स में ला सकेंगे। अब जीनोटाइप इंफॉर्मेशन के लिए आप ब्लड सैंपल्स लेते हैं या सलाइवा के सैंपल्स कलेक्ट कर सकते हैं और इसमें आप डीएनए कलेक्शन या जीनोटाइपिंग इन पेशेंट्स की इसमें की जाती है। जेनेटिक स्टडी के हमें बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं? इसमें अगर हमें किसी इंडिविजुअल के बारे में पता चल जाए तो हम ड्रग की सेफ्टी को इम्प्रूव कर सकते हैं इन दैट इंडिविजुअल। सेफ्टी कैसे है कि हम उसकी डोज को एडजस्ट कर सकते हैं। सेकंड वन, हम एफिकेसी को इन्हांस कर सकते हैं उस पेशेंट में जिसमें के जेनेटिक वेरिएशन आ रही है। फिर हम डेंजरस साइड इफेक्ट्स या ड्रग इंटरेक्शंस या ड्रग रिएक्शंस जो बॉडी में हो रहे हैं उनको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं अगर हम केयरफुल हिस्ट्री ले लें पेशेंट से कि उसको प्रीवियस हिस्ट्री तो नहीं है फॉर एनी काइंड ऑफ ड्रग एलर्जी या उसमें फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है जिसमें कि किसी ड्रग, किसी खास दवाई के साथ, ड्रग के साथ उनका रिस्पॉन्स जो है वो खराब आ रहा है। फिर इसमें आप अगर आपको जेनेटिक स्टडीज का पता है तो आप उस पेशेंट के लिए एक बेस्ट ड्रग एडवाइस कर सकते हो, वो वाला ग्रुप ऑफ ड्रग्स जो कि उसके लिए बेनिफिशियल हो सकता है उसको आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और लास्ट में आप अप्रोप्रिएट डोजिंग जो है पेशेंट्स की कर सकते हैं, उसकी डोज को इन्हांस कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन कि आप उनमें क्या चाह रहे हैं। अब कुछ एग्जांपल्स में आपको यहाँ पे बताऊंगा कि जो कॉमन ड्रग्स हैं हम यूज करते हैं नॉर्मल रूटीन ड्रग ट्रीटमेंट्स में और हमें जो है उनके साइड इफेक्ट जो है वो जेनेटिक वेरिएशंस की सूरत में मिलते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास स्लो एंड फास्ट एसिटाइलेटर्स आ जाते हैं। जो पेशेंट ट्यूबरक्लोसिस के होते हैं उनमें हम ड्रग कॉम्बिनेशंस देते हैं और उसमें हमने
ड्रग्स जो है आइसोनियाज़िड जो है, फोर ड्रग फाइव ड्रग्स कम्बिनेशन होता है, फोर ड्रग्स होता है, ये जब आप पढ़ेंगे तो आपको डिटेल पता चल जाएगी। उसमें एक ड्रग देते हैं आप आइसोनियाज़िड, ये कुछ पेशेंट्स में स्लोली इसकी डिग्रेडेशन होती है और कुछ में फास्ट होती है। तो इस पेशेंट्स में आपने, इन पेशेंट्स में आपने इसकी डोज को जो है वो एडजस्ट करना होता है। इन पेशेंट्स में आपने स्प्लिट ट्यूबरकुलस थेरेपी देनी होती है और INH की डोज या तो इंक्रीज करनी होती है या डिक्रीज करनी होती है, डिपेंड्स करता है। ऑन्कोलॉजी में अगर हम देखें तो थेरेप्यूटिक विंडो जो है एंटी कैंसर ड्रग्स की बहुत नैरो होती है। अब इनमें वो वाली ड्रग्स जो मेटाबोलाइज हो रही हैं लिवर में जाके, उनको हमने वेरी केयरफुली यूज करना होता है। इनमें कुछ ड्रग्स हैं 5-फ्लोरोयूरासिल, टमोक्सिफिन जो हैं, ये ड्रग्स जो हैं इनको हमने केयरफुली मॉनिटरिंग के साथ पेशेंट्स में यूज करना होता है। सुडोकोलीन एस्ट्रेस डेफिशिएंसी जो है ये भी कुछ पेशेंट्स में होती है, ये 1 in 25,000 इंडिविजुअल्स में हो सकती है। सक्सामथोनियम ड्रग हम एनेस्थीजिया के लिए यूज करते हैं, स्केलेटल मसल को रिलैक्स करने के लिए। तो ऐसे पेशेंट्स में जिनमें सुडोकोलीन एस्ट्रेज की डेफिशिएंसी होगी, उनमें ये ड्रग जो है वो ज़्यादा देर के लिए बॉडी में अकोमुलेट रहती है, जिसकी वजह से उनमें रिलैक्सेशन जो है वो वापस नहीं आती और इवन हमें पेशेंट्स को वेंट पे रखना पड़ता है फॉर कपल ऑफ डेज टिल के ड्रग जो है वो साइमल्टेनियसली बॉडी से निकल जाए। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी ये वेरी मच कॉमन है। इसमें एरिथ्रोसाइट्स की आपकी हिमोलिसिस हो जाती है। अब ये वाली जो डेफिशिएंसी है ये बहुत सी ड्रग्स को अफेक्ट कर सकती है, जिसमें के फॉर एग्जांपल एंटी मलेरियल ड्रग्स हैं, एनल्जेजिक देते हैं, सल्फोनामाइड्स हैं, एंड लॉन्ग लॉन्ग लिस्ट है इन ड्रग्स की जिनके साथ ये डेफिशिएंसी वाले पेशेंट्स में ये मैकेनिज्म जो है वो इन्हांस हो सकता है। तो आपने पेशेंट से केयरफुल हिस्ट्री लेनी है और उसके बाद ये वाली ड्रग्स इन पेशेंट्स में एडमिनिस्टर करनी है। एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया जो है ये भी एक कंडीशन है जिसमें के पेशेंट्स में इंक्रीज एक्टिविटी होती है ऑफ द एंजाइम डेल्टा अमाइनो लेवलेनिक एसिड सिंथेसिस की। ये ज़्यादा आपको केस रिपोर्ट होते हैं बारबिट्यूरेट्स, ये सिडेटिव हिप्नोटिक आपके ग्रुप में आ जाती हैं, ड्रग्स आ जाती हैं। और फिर इसमें और ड्रग्स भी हैं, सल्फोनामाइड्स और डिफरेंट ड्रग्स, ये मिथाइल डोपा, इसके साथ भी आपके एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया जो है वो रिपोर्ट हो सकता है। मलिग्नेंट हाइपरपायरेक्सिया जो है ये भी जेनेटिक कंडीशन है। इसमें डिक्रीज इन दी कैल्शियम रिलीज होती है और इसमें जो ड्रग्स अफेक्ट कर रही होती हैं इसको, वो हेलोथीन या सक्सामथोनियम जो है, इसमें ये मलिग्नेंट हाइपरपायरेक्सिया जो है वो रिपोर्ट होता है और इसको हम ट्रीट करते हैं विद एन अदर ड्रग नेम्ड डेंट्रोलिन। मेथ हीमोग्लोबिनेमिया, इसमें भी क्या होता है कि हीमोग्लोबिन कन्वर्ट होती है इनटू मेथ हीमोग्लोबिन बाय ऑक्सीडेशन ऑफ द आयरन कंटेंट और ये फेरिक फॉर्म में आपके पास आ जाती है। अब इसको नॉर्मली मेथ हीमोग्लोबिन
रिडक्टेज एंजाइम जो है वो इनहिबिट करता है। कुछ पेशेंट्स में, कुछ इंडिविजुअल्स में इसकी मेथ हीमोग्लोबिन रिडक्टेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है। तो इन पेशेंट्स में अगर आप ड्रग्स देंगे, फॉर एग्जांपल नाइट्रेट्स हैं, ये आपके एंजाइना के लिए ट्रीट करने के लिए, सल्फोनामाइड्स हैं, एंटीबायोटिक हैं, क्यूनिन्स हैं, एंटी मलेरियल ड्रग, ये डिफरेंट ड्रग्स अगर इनमें यूज़ करेंगे तो इनमें ये प्रॉब्लम आ सकती है, ये साइड इफेक्ट जो है वो आ सकता है। वॉरफ्रिन जो है ये एंटी कोएगुलेंट ड्रग है, ये भी आप कुछ पेशेंट्स में लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करते हैं। ये वेरी रेयर डेफिशिएंसी है लेकिन ये पेशेंट्स में आ सकती है, और ऐसे पेशेंट्स में हमें 20 टाइम्स मच रिक्वायर्ड होती है ड्रग्स टू प्रोड्यूस एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन दी पीटी, कि हमें 20 टाइम्स मोर ड्रग जो है वो नॉर्मल से देनी पड़ती है। विटामिन डी रेजिस्टेंस एक कंडीशन है, इसमें पेशेंट जो है वो मेटाबोलाइज नहीं कर सकते विटामिन डी को, तो ये इन पेशेंट्स में जिनमें आपने विटामिन डी देनी होती है उनमें आपने इसको केयरफुली मॉनिटर करना होता है। एक एटालेजिया एंड अदर कंडीशन है, हाइड्रोजन परऑक्साइड जो आप एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज करते हैं उसके साथ ये कंडीशन जो है वो हो सकती है उन पेशेंट्स में जिनमें लैक ऑफ कैटालेज एंजाइम होता है। तो ऐसे पेशेंट्स में आपने हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है वो यूज़ नहीं करवानी। एट्रोपीन एस्ट्रेज जो है इसकी भी रेजिस्टेंस हो सकती है, क्योंकि आप एट्रोपीन के साथ, ये आपकी सेंट्रली एक्टिंग ड्रग है और इसके साथ जो है मल्टीपल आपके स्मूथ मसल्स के एक्शंस जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, तो उसकी भी डेफिशिएंसी हो सकती है और इसको भी आपने केयरफुली मॉनिटर करना होता है।